हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्टैडलर पेंसिल के बारे में, जो कि आर्ट वर्ल्ड में या बेसिकली बोला जाए तो स्केचिंग वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और सभी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो कभी ना कभी उन्होंने स्टैडलर पेंसिल यूज़ की होगी या फिर अभी भी वो यूज़ करते हैं। सो वही पेंसिल के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला, रिव्यू देने वाला उसके ऊपर, और आपको ये वीडियो से पता चलेगा कि आपको भी ये पेंसिल बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आज जो भी मैं बताने वाला हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो पेंसिल है मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया ये पेंसिल के बारे में वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ये पेंसिल लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। कम से कम मैंने 110 से 120 आर्ट वर्क्स, जो पोर्ट्रेट कमीशन वर्क होते हैं, वो मैंने ये पेंसिल से बनाए, और आज भी ये पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो ये जो पेंसिल का सेट है मेरे पास 6 पेंसिल का सेट है, और इसका प्राइस लगभग आपको 600 से 650 तक आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। बाय द वे ये 6 पेंसिल का सेट है, और इसमें भी 12 पेंसिल का सेट आता है जो कि आपको अराउंड 1000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। बट आप 6 पेंसिल का सेट भी बाय कर सकते हो, वो भी बहुत इनफ है आपके लिए। और अगर लूज में भी आप बाय करना चाहते हो सिंगल पेंसिल, वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, जो कि अराउंड 80 to 120 रुपीज़ का एक पेंसिल आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है ग्रेड कौन से आप यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट ग्रेड की प्राइस डिफरेंट होती है। जैसे HB आप लोगे तो थोड़ी कम प्राइस होगी, 2B 4B से लेके थोड़ा थोड़ा प्राइस उसका इंक्रीज़ होता है। सो चलिए बाकी जो फीचर्स है वो डिस्कस करते हैं। सो अभी हम बात करते हैं ग्रेड्स के बारे में। सो अभी जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 6 पेंसिल का सेट है, और इसमें HB से लेके 8B तक आपको पेंसिल मिलती है, जैसे HB, 2B, 4B, 6B, 7B और 8B। जो आर्टिस्ट है उनको ग्रेड्स के बारे में मालूम होगा, अगर आपको मालूम नहीं है तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ग्रेड्स क्या होते हैं, आपको पेंसिल कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसमें जो ग्रेड मिलते हैं उसमें HB सबसे लाइट होती है और 8B आपको सबसे डार्क पेंसिल मिलेगी। सो अभी हम देखते हैं कि शेडिंग इससे कैसी होती है, स्मूथ शेडिंग होती है, डार्कनेस कैसा होता है। सो अभी हम पेंसिल को शेडिंग करके देखते हैं कितनी डार्क है, कितनी स्मूथ है। सो सबसे पहले मैं HB पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और ये पेंसिल मैंने पहले से यूज़ की इसलिए इतनी छोटी लग रही है। तो इसकी लीड आप देख सकते हो, मैंने इसको कटर से शार्प किया है। सो अभी इतने आपको डार्क नहीं दिख रहा होगा क्योंकि HB पेंसिल बहुत लाइट होती है। सो अभी HB पेंसिल से शेड किया, अभी 2B पेंसिल से एक बार शेड करके लेते हैं। एक बार पूरा मैं शेडिंग करके दिखाता हूँ आपको सब पेंसिल से। सो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कौन सी पेंसिल लाइट है, कौन सी पेंसिल डार्क है। अभी मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो स्मूथनेस की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यूज़ करने के लिए भी। आपको इस पर थोड़ा दिख रहा नहीं होगा, बट अगर आप ये पेंसिल यूज़ कर रहे होगे तो फील आपको पता चल जाता है कितना स्मूथ है, कितना डार्क है। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 7B पेंसिल, 7B की ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी सबसे लास्ट पेंसिल जो है वो 8B पेंसिल है, और हर एक इसमें मैंने सेम प्रेशर अप्लाई किया है। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक ही प्रेशर अप्लाई करके कितनी डार्क कितनी लाइट वैल्यू मिल रही है हर एक ग्रेड से। सो सभी पेंसिल से मैंने शेड किया, आपको अभी दिखाता हूँ। ये HB पेंसिल से, ये 2B पेंसिल, ये 4B पेंसिल का है, और ये 6B, 7B और 8B। तो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि ये डार्क है बहुत ज़्यादा, ये लाइट है। सो जैसे आपने अभी देखा शेडिंग वगैरह सब करके, अभी हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर बिल्ड क्वालिटी पेंसिल की ख़राब हो गई तो वो उसकी लीड टूट जाती है शार्प करने के टाइम पे। अगर आप 120 रुपये की एक पेंसिल ले रहे हो और उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और उसकी लीड टूटेगी तो उसका भी यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक पेंसिल 120 रुपये की बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। सो ये जो पेंसिल है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको मैंने शार्पनर से भी शार्प किया, और जो कटर रहता है उससे भी मैंने शार्प करता हूँ। जो HB और 2B ग्रेड की पेंसिल रहती है उसको मैं कटर से शार्प करता हूँ। सो शार्पनर और कटर से दोनों से भी शार्प करने के बाद इसकी वुड बहुत अच्छी है, इसलिए
जो लीड है वो टूटती नहीं है, आप देख सकते हो उसमें। इसलिए जो पेंसिल है मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी भी आप देख सकते हो और बहुत पेंसिल बाकी है, लगभग 1 साल और चलेगी ये पेंसिल। सो जो 700 का पैक है वो लगभग 3 साल आप यूज़ कर सकते हो। इस पर बस एक दो ग्रेड की पेंसिल जैसे 8B हो या 7B हो वो थोड़ी ख़त्म होती है, जैसे आप यूज़ करते हो उसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो HB पेंसिल हो या फिर 2B पेंसिल हो लॉन्ग टाइम तक चलती है। सो अभी हम बात करते हैं कि आपको ये पेंसिल बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो आपने जैसे देखा कि हमने सब टाइप से टेस्टिंग करके देखा है पेंसिल को, बिल्ड क्वालिटी चेक की, स्मूथनेस चेक किया, डार्कनेस चेक किया, उसके बाद शेडिंग कैसी होती है वो चेक किया, उसके बाद प्राइस पॉइंट भी आपने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो आप चीप पेंसिल से शुरू कर सकते हो, बट जैसे 2-3 महीना आपको स्केचिंग करते हुए आपको थोड़ा बहुत आने लगा स्केचिंग, तो आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे ये पेंसिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे आपने देखा ये लगभग 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और 1 साल चलेगा, तो एक 700 की पेंसिल का सेट आप लोगे तो लगभग 2 से 3 साल आपको यूज़ कर सकते हो उसको। वही अगर आप चीप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि उसकी लीड ख़राब होती है और वो टूट जाती है। सो अगर आप सच में आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सच में ये फील्ड में कुछ काम करना चाहते, लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहते हो, तो थोड़े थोड़े एक्सपेंसिव मटेरियल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और पेंसिल में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उससे आपका आर्ट वर्क भी वैसे ही रिजल्ट आता है उसमें। अगर आप चीप क्वालिटी के पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो तो उसका आर्ट वर्क में भी फ़र्क दिखता है आपको। सो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिगनर हो तो आप 2-3 महीने बाद ये पेंसिल बाय कर सकते हो, और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो सभी ये पेंसिल यूज़ करते ही है, बाकी आपके ऊपर है आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे मैंने टॉम्बो मोनो और स्टैडलर पेंसिल का भी कंपैरिजन करके आपको दिखाया पिछले 2-3 वीडियोस के पहले, सो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी आपको पेंसिल बाय करनी है। ऐसे और भी वीडियोस अपने चैनल पे आने वाले जिसमें आर्ट मटेरियल के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आर्ट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, स्केचिंग भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लगभग 4 साल से स्केचिंग कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इस फील्ड में। सो आपको अगर स्केचिंग सीखनी है या आर्ट मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँ तभी। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्ट मटेरियल के साथ। और आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो या आपको भी किसी आर्ट मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।